सनावद में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे का काम जोरों पर चल रहा है। इसी बीच किसानों की अधिग्रहित जमीन का सही ढंग से सर्वे नहीं होने और विसंगति के चलते किसानों ने मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर सांकेतिक चक्का जाम किया। हम आपको बता दें कि किसानों का आरोप है कि सर्वे में कई त्रुटियां हैं। इस बात से शासन प्रशासन को समय समय पर अवगत कराते चले आ रहे हैं और समस्या हल नहीं होने की दशा में वो सड़कों पर उतरे हैं। वहीं एसडीएम ने किसानों की समस्या जल्द निराकरण करने की बात पर जोर दिया, जबकि सनावद पुलिस ने भीड़ को मौके से हटाया। इस दौरान लंबे समय तक यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने सुचारू रूप से शुरू करवाया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मोहन भाई, आज आपने चक्का जाम किया है रोड के ऊपर, क्या कारण रहा और क्या मांगे आपकी? चक्का जाम इसलिए किया है कि जो नेशनल हाईवे द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है, इस रोड से बनने को हमारे को बहुत खुशी है, पर जो नेशनल हाईवे वालों ने हमारी संपत्ति, परिसंपत्ति और जमीनों का जो अधिग्रहण किए, अधिग्रहण करने के बाद जो मूल्यांकनों में विसंगति पाई गई, उससे हम बहुत दुखी हैं और उसी कारण से आज सारे किसान भाई इकट्ठे हो रहे। साल भर से आवेदन निवेदन सारी चीज़ें हम एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सबको दे चुके हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में हम किसान भाइयों को निर्णय लेना पड़ा, क्यों ना हम रोड पर चक्का जाम करें, धरना प्रदर्शन करें, उसके बाद शासन प्रशासन जागेगा, हमारी मांगों को सुनेगा। क्या मांगे हैं आपकी, जो आपको वो मुआवजा कम दिया जा रहा है या डिज़ाइन के अंदर कुछ बदलाव किया जा रहा है? इसमें सबसे पहले तो नेशनल हाईवे के जो प्रशांत सिंह हरे हैं, जो साइड इंजीनियर्स है, उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया है। हमारी जो संपत्तियाँ हैं, 235 झाड़ है, उसमें से 100 झाड़ है, तार फेंसिंग छोड़ी है, पाइप लाइने छोड़ी है। यहाँ से आधे किलोमीटर पीछे जाएंगे हम तो एक ईंट से बना हुआ कुआ जो कम पैसे में बनता है, उसको 5 लाख रुपए दिए, और यहाँ पर RCC के कुएं बने हुए जिनको 2 लाख रुपए दिए, ऐसा क्यों? तो इस संबंध के अंदर SDM साहब क्या कहना पड़ रहा है? SDM साहब से अभी चर्चा चल रही है। SDM साहब का कहना है कि हम आपकी जो संपत्तियाँ छूटी है उसका मूल्यांकन करवा के रीअवार्ड करने के वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी आश्वासन से हम काम नहीं चलेगा, हम राइटिंग में लेंगे। आपको पहले भी अवार्ड पारित किया था, उसके अंदर क्या हुआ? अवार्ड पारित के पहले भी हमने कलेक्टर मैडम, मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार सबको बुला के सब पत्रकार साथियों को समक्ष यहीं पर एक बैठक करी थी। उसमें उन्होंने बोला था कि जब तक आपकी परिसंपत्तियाँ नहीं लेंगे, जब तक हम अवार्ड नहीं करेंगे, उसके बाद भी उन्होंने अवार्ड पारित कर दिया, जिससे किसान का नुकसान हुआ है, क्योंकि अवार्ड पारित होने के बाद जो पैसा किसान के खाते में आता है उसका ब्याज बंद हो जाता है, भले किसान ले अन्यथा नहीं ले। आप लोगों ने अवार्ड नहीं लिया अभी? हाल अवार्ड तो गवर्नमेंट का काम, वो पारित हो गया, पैसा उनके अकाउंट में आ गया है SDM साहब के, बाकी किसान ने नहीं लिया, पर उसका ब्याज साल भर से बंद हो गया जो किसान को मिलना था। ठीक, तो ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, जब तक हम ताकत से सभी किसान भाइयों के साथ बैठकर ये आंदोलन को करते रहे। पुलिस यहाँ पर आपका विरोध करेगी? पुलिस से सामना करेंगे। ठीक, थैंक यू। आप भी यहाँ पर आए, क्या मामला है सर और क्या मुआवजा नहीं मिल पाया? देखिए, आज जो भानपरण में है हम लोग, यहाँ पर जो किसान साथी, उनका ये कहना था कि नेशनल हाईवे की जो भूमि के अंदर अर्जन हुआ है उसमें कुछ उनकी समस्याएं थी, विशेषकर ये समस्या थी कि जब 2019 में सर्वे हुआ था उस दौरान परिसंपत्तियों को छोड़ दिया गया था, जिसके संबंध में लगातार कृषकों से जो है हमें शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी, और अभी जो सर्वे का कार्य करा लिया गया है और विधिवत जो है इसमें तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण भी दर्ज किया गया है और जानकारी प्राप्त कृषकों से की जा रही है, मूल्यांकन करके एडिशनल अवार्ड करके जिनकी परिसंपत्ति छूटी होगी और जो नियमानुसार सही है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान नेशनल हाईवे से। सर, ये प्रशांत सिंह हरे से ये लोग बहुत परेशान है, उसको लेकर नारेबाजी भी की है, क्या है उसको लेकर लोगों का? वो नेशनल हाईवे अधिकारी है और जैसा किसानों ने बताया है कि कुछ विसंगतियाँ हुई है या उन्होंने कुछ गलत बातें इनसे कही है, या दौरान जब सर्वे हुआ था कुछ विसंगतियाँ थी उसमें बताया गया कि वो भी सम्मिलित थे, उस संबंध में मैं नेशनल हाईवे जो बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, उनको अवगत करा रहा हूँ। क्या किसानों ने यहाँ चक्का जाम क्या कितनी देर चला था? लेकिन सर, सांकेतिक था, सभी लोग आए थे यहाँ पर और सभी ने अपनी समस्या रखी है और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनका निराकरण हो। सर, मशीन लगना चाहिए जब की जब। थैंक यू। यहाँ पर प्रदर्शन किया है सड़क पर, सर क्या मामला था और कितने टाइम तक प्रदर्शन रहा उन लोगों का? मुझे ध्यान में आया है कि भानपरण की जो किसान है, इनकी आसपास की जो भूमियाँ यहाँ पर इंदौर इच्छापुर जो नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, इनमें इनकी भूमियों का अधिग्रहण किया जा रहा है जो NHAI संस्था द्वारा किया जा रहा है, इसका भू अर्जन SDM बड़वा के माध्यम से किया जाता है। ये ज्ञान में आया है कि ये लोग जो अपनी भूमि अर्जन का एक क्राइटेरिया जो तय किया गया है उस क्राइटेरिया के तहत संतुष्ट नहीं है और ये कह रहे हैं कि जो NHAI ने भूमि अर्जन किया वो गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया गया है। उस संदर्भ में आज इन्होंने, यहाँ के किसानों ने जो असंतुष्ट थे,
अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि सड़क से जुड़ा मामला था, एनएचआई से जुड़ा, तो सड़क पर आकर ज्ञापन देना चाह। उससे क्या है कि चूँकि जब रोड पर आ जाते हैं तो कोई घटना दुर्घटना ना हो, तो ट्रैफिक को रुकवा दिया था, जिससे कि और उनकी बातें उनको समझ के एसडीएम साहब से ज्ञापन जो है साइड में करा दिया, ताकि आवागमन रुका नहीं। और कई 15-20 मिनट यहाँ पर उनसे चर्चा की गई, चर्चा के बाद में अभी एसडीएम साहब चर्चा कर रहे हैं, उसका हल निकल जाएगा। सर, ये जो प्रदर्शन कर रहा था उनके लेकर खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज? नहीं, चूँकि अभी वो उन्होंने उसको बाधित नहीं किया है, सिर्फ अपनी मांगे रखी हैं यहाँ पर आकर। यदि वो इसके बाद इसको प्रॉपरली इंटेंशनली जाम करेंगे तब कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।